हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अंकित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मोर। तो दोस्तों, क्या आपको आपको भी सरकार के द्वारा जो टैब मिले थे, कई कईयों के तो उसमें सभी ऐप चल गए थे, लेकिन कई बच्चों के उसमें बस तीन ही ऐप अभी चल रहे हैं और वो तीन ऐप अब भी बंद ही कर दिए गए हैं। तो क्या आपको पता है जिनके वह सभी ऐप चल रहे हैं उनके अब सिर्फ चार ही ऐप चल पाएंगे। हाँ दोस्तों, कल ही सरकार के द्वारा अखबार में ये नोटिस आया है कि अब कोई भी बच्चा अपने गवर्नमेंट टैब में सोशल मीडिया को नहीं चला पाएगा। आपको अपने आपके अध्यापक आपको अपने टैब में MDM ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेंगे और वही ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके टैब में कुछ भी नहीं चल पाएगा। आपके सिर्फ चार ही ऐप चल पाएंगे, कोई सोशल मीडिया आपकी नहीं चलेगी, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आप नहीं चला पाएंगे वो करने के बाद। चलिए मैं आपको वो नोटिस पढ़कर सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये वो नोटिस है जिसमें कि सरकार ने वो MDM ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा। तो चलिए मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। तो इसकी हेडलाइन है, टैबलेट पर फेसबुक नहीं चल पाएंगे, डाउनलोड करना होगा MDM ऐप। तो चलिए मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ, सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। उसके साथ एक सिम कार्ड भी दिया गया था और रोजाना 2 GB डाटा भी दिया जाता है। कई स्कूलों में शिकायत मिली थी कि विद्यार्थी टैबलेट पर काम के बजाय यूट्यूब, फेसबुक के अंदर सोशल साइट चला रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से टैबलेट में MDM ऐप यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड करवाने के निर्देश दिए जारी किए हैं। विभाग की ओर से संबंधित अध्यापकों को ऐप डाउनलोड करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस ऐप के डाउनलोड होने के बाद इसमें कोई भी सोशल साइट नहीं चलेगी। टैबलेट में पढ़ाई से संबंधित चार ऐप ही चल सकेंगे। ये चार ऐप हैं अब सिर्फ दीक्षा ऐप, वन स्कूल विद्यार्थी और वन स्कूल अध्यापक। कैथर में 17101 विद्यार्थी के टैबलेट दिए गए थे। करीब 588 विद्यार्थियों को भी टैबलेट दिए जा चुके हैं। अगर आप इसको आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको पता चल ही गया होगा कि आप अब इसमें सिर्फ चार ही आपको चला पाएंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टैबलेट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।